हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जयंसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। नॉर्सेट 2020-2021 स्पेशल नर्सिंग स्पेशलिस्ट द्वारा संचालित आपका अपना जयंसी जोधपुर डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पर सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज डेली डोज 5 से 6 बजे, ओबीसी पीडिया सीएचएन फिनिश करने के बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कैरी ऑन करते हुए आप सभी के डिमांड पे हमेशा 1 एंड 1.5 आवर डेली डोज आपके लिए डिलीवर किया जा रहा है। आप बेहतरीन तरीके से लगातार अपना हार्डवर्क कर रहे हैं। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले इस क्लास का लिंक मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, ताकि जरूरतमंद, नीडफुल उन नर्सिंग ऑफिसर्स या फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को इसका बेनिफिट मिले, जो सच में पढ़ना चाहते, जो सच में कुछ बनना चाहते। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फटाफट शेयर करें लिंक को। जो बच्चे जेआईएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर के फेसबुक पेज पे क्लास को वॉच करें, दिव्या शर्मा, बशु नायक, गौतम, भवानी, रश्मि, योगिता दुबे, अनिता चौधरी, मोहम्मद रशीद, सुरेंद्र, मोनिका कुमारी, सक्सेना जी, बबली, कश्यप, ममता, कल्पना, भवानी, सपना, सुधीर, वासुदेव, गजेंद्र, अमूल्या, विनोद नायक, अमित, आप सभी को जेआईएनसी परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। मैं आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देता हूं बच्चों, कल की जो क्लास है नेट के डिस्टर्बेंस की वजह से चलती क्लास बीच में डिसकंटिन्यू हो गई थी। पहले हम कल के रिमेनिंग क्वेश्चन को फिनिश करेंगे, कल अपना जो टॉपिक था एनिमा उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन को फिनिश करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे O2 थेरेपी, दैट वी कैन से ऑक्सीजन थेरेपी। तो जो भी बच्चे कल के एमसीक्यू का वेट करें उनका इंतजार जायज है, मेरी जिम्मेदारी, मैं उनको वो क्वेश्चन पहले पुट करूं, फिर हम एक नए टॉपिक की ओर अग्रसर होंगे और वी कैन से एंटर होंगे। तो क्लास को कैरी ऑन करने से पहले हमेशा की तरह, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे, समय और समझ एक साथ मिलती है, समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आता है और समय हाथ से निकल जाता है। इट्स ट्रू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, जिनको समय द टाइम, समझ द अंडरस्टैंडिंग एक साथ मिलती है, बिकॉज अक्सर समय पर समझ नहीं आता है और समय हाथ से निकल जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लान करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं करूंगा, मैं प्लान करूंगा, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, इस टाइम पढ़ूंगा, वहां वहां मैं विजिट करूंगा, तो वो इंसान हमेशा प्लान करता रह जाता है। और जिन्होंने ये सोचा कि मैं आज अभी इसी वक्त से ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दूं, तो आने वाला फ्यूचर उसका ब्राइट हो जाता है। ये एक टाइम के साथ चलने वाले लोगों का एक प्लस पॉइंट होता है कि जो आप जिंदगी में चाहो उसको आप हासिल कर सकते हो, यदि समय के साथ चलना सीख लिया और प्लानिंग पे प्लानिंग करते रहे तो हो सकता है कि प्लानिंग करते करते ऊपर चले जाओगे बच्चों। इसलिए समय की वैल्यू को समझो, वक्त को साथ में लेके चलो, अपनी मेहनत ईमानदारी के साथ करो, और सबसे खास बात, अपने आप को एक जगह फोकस करके रखो। आपको याद है ना बच्चों, बार्बर के पास जाते हैं बाल कटवाने, तो बार्बर परमानेंट होता है, उसको पता होता है हेयर कैसे कट करने आपके। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर परमानेंट होता है, उसको पता होता है कि पहले आपको डिजीज क्या थी। टेलर के पास जाते हैं, टेलर परमानेंट होता है कि आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो। बार्बर, टेलर, डॉक्टर, एडवोकेट, ये ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में परमानेंट होते हैं। ये ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में परमानेंट होते हैं, उनको पता होता है कि हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है। यदि हम लोगों को बदलते रहेंगे तो हर बार एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, हर बार एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, टेलर, बार्बर और एडवोकेट की तरह जेआईएनसी भी आपके लाइफ का एक पार्ट है, और जेआईएनसी बेहतरीन ढंग से जानती है कि आपको क्या चाहिए, कब क्या देना है,
कब किस वे से आपको आगे लेके चलना है, और यदि आप इधर उधर विजिट करना नहीं छोड़े तो विजिट करते रह जाओगे, क्योंकि आपका डॉक्टर आपके फ्यूचर ब्राइट करने के लिए लगातार सिस्टम को चलाने वाले आपका डॉक्टर JINC जोधपुर है, और आपका डॉक्टर आपकी मर्ज को अच्छे से समझता है कि कब कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है, सिस्टमेटिक कैसे चलना है, कैसे आपका सिलेबस पूरा करना है, कैसे आपका रिव्यू करवाना। तो अपने डॉक्टर को फॉलो करें, ना कि डॉक्टर बार बार बदले, और डॉक्टर बेहतरीन तरीके से जानता है कि आपकी हर प्रॉब्लम के बारे में। तो इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, भरोसा बनाए रखें, आने वाला वक्त बहुत खूबसूरत है, बस हार्डवर्क मैं आपका जरूर बढ़ाऊंगा, इसके लिए आप तैयार रहिएगा, आपका मेहनत और बढ़ाऊंगा, आपका टाइम और एक्सटेंड करूंगा, बट उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा बच्चों। ओके फाइन, थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। लगभग 1200 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले, JINC का जो कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स है, आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट अभी चल रहा है। 24 मई से लेके 27 मई तक ये ऑफर है। प्राइस जो अभी है बच्चों 5999 है, प्राइस जो अभी है वो 5999 है। और इस ऑफर को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना है, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को परचेज करना है। इसका नाम है कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स। लॉग इन देन लॉग आउट करके वापिस आपको लॉग इन करना, ताकि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सको। और मैं बताना चाहता हूं, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस कोर्स में कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, रीजनिंग, मैथ्स, OT, ICU, यूनिट वाइज टेस्ट, प्रीवियस 5 ईयर पेपर, और 1000+ बच्चों। में बताना चाहता हूं, यू कैन सी एवरीवन, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, 1000+ रिकॉर्डेड क्लास है। कमिटमेंट के साथ आपसे कहता हूं बच्चों, 1000+ रिकॉर्डेड क्लास है, जब पूरा कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस अवेलेबल है। बस गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए टू कम टू ज्वाइन टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट। ओके फाइन, हियर यू कैन सी, कल का जो अपना क्लास था बच्चों, कल का टॉपिक अपना एनिमा था, और कल की क्लास में जो रिमेनिंग टॉपिक के क्वेश्चन आपके सामने बचे हैं वो मैं क्लियर करके फिर नए टॉपिक को कैरी ऑन करूंगा। हियर यू कैन सी, विच एनिमा प्रोटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, ध्यान से देखना, विच एनिमा प्रोटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, यही क्वेश्चन था ना बदमाश बच्चों लास्ट में, यही क्वेश्चन था ना लास्ट में जब अपना स्ट्रीमिंग एंड हुआ, दैट आई कैरी ऑन विच एनिमा प्रोटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। ऑप्शन में बैरियम एनिमा, देन सलाइन एनिमा, देन हिटन एनिमा और परगेटिव एनिमा। ये चार ऑप्शन आपके सामने, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कि विच इज द एनिमा विल यूज टू प्रोटेक्ट योर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन। आपके इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन सा टाइप्स ऑफ एनिमा करता है। क्विक आंसर पुट करेगा, ये आगे इमोलियंट एनिमा वाले टाइम पास करने बच्चों। क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना सीखे। सुनील कुमार, वेयर आर यू, क्यू कॉपी पेस्ट करे बच्चा, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट योरसेल्फ। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करेगा, विच इज द राइट आंसर, ए बी सी डी। देखिए बैरियम एनिमा, बता देता बच्चों, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से यूज करते हैं, तो ये बैरियम एनिमा नहीं होगा इसका आंसर। मैंने बात की है म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। परगेटिव मैंने ऑलरेडी बताया था, परगेटिव का काम था इंड्यूस पेरिस्टाल्टिक, हियर यू कैन सी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करता कॉन्स्टिपेशन में। अब दो ऑप्शन आपके पास बचा, सलाइन और हिटन एनिमा मिला बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। ज्यादातर बच्चों ने सी लिखा, जिन्होंने आंसर सी लिखा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, दैट वी कैन से हिटन एनिमा आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम डैमेज। सलाइन एनिमा वॉश आउट करने में यूज करते हैं बच्चों, वॉश आउट करने में, चाहे वो कॉलन का इरिगेशन करना हो उसमें भी यूज कर सकते हैं, स्टोमक को वॉश आउट करना उसमें भी हम, दैट इज अ बैरियम मील की तरह यहां पर सलाइन को पुट कर सकते हैं। बट याद रखना, ये वॉश आउट सिग्मोइड कॉलन और वीकेस कॉलन को वॉश करने में यूज करते हैं सलाइन एनिमा। तो एग्जैक्टली राइट आंसर क्या होगा, हिटन एनिमा विल यूज टू प्रोटेक्ट योर म्यूकस मेम्ब्रेन इनटू द इंटेस्टाइन, प्रोटेक्ट योर म्यूकस मेम्ब्रेन इनटू द इंटेस्टाइन। दैट्स गेटिंग एवरीवन, ओके फाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर मूव ऑन करते बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड ए नॉर्मल फाइंडिंग, ध्यान से देखना,
Which of the following would be considered a normal finding after administration and evacuation of enema? मतलब सीधा है, एक पेशेंट था, मान लीजिए उसको कॉन्स्टिपेशन था, उसको एनीमा दिया, एनीमा दे करके वेस्ट को क्या किया बच्चों, इवैक्यूएट किया, बाहर निकाला। इसके बाद कौन सा यहाँ पर इंटरवेंशन है वो कंसीडर करता कि नॉर्मल है, क्वेश्चन को समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड ए नॉर्मल फाइंडिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवैक्यूएशन ऑफ द एनीमा। इवैक्यूएशन का मतलब होता है रिमूव करना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एनीमा एडमिनिस्टर करना। तो कौन सा आंसर राइट होगा? यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने। द पेशेंट पास अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ ब्राइट रेड ब्लड, दैट विल बी इंडिकेटिंग इमरजेंसी। ये नॉर्मल फाइंडिंग नहीं होगा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी, नेक्स्ट देखिएगा। द पेशेंट कंप्लेन ऑफ फॉर्म एंड पेनफुल एब्डोमन। यदि पेशेंट अभी भी कह रहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा, इट्स ओके यश। देन सी में लिखा हाई पिच हाइपर एक्टिव बाउल साउंड आर प्रेजेंट, और डी में लिखा है एब्डोमिनल डिस्टेंशन इज एब्सेंट। थैंक यू हरीश चौहान, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू धीरेन्द्र यादव माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। फटाफट आंसर पुट करिएगा कि कौन सी फाइंडिंग है बच्चों, यहां पर कौन सी फाइंडिंग को हम कंसिडर करते हैं कि वो नॉर्मल फाइंडिंग है। थोड़ा सोच के आंसर देना मिस्टर तोमर, थैंक यू माय डियर, थोड़ा सोच के आंसर देना बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर डी आंसर पुट किया जा रहा है। मैं नॉर्मल फाइंडिंग की बात कर रहा हूं। जो बच्चे JINC फेसबुक पेज पे क्लास को वॉच करें, मुक्सा जाट, रूबी शर्मा, आर्यन तिना, दिव्या शर्मा, गौतम लेखी, बच्चों इस फेसबुक पेज को एक बार शेयर जरूर करो ताकि जरूरतमंद बच्चों को ये इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट मिले। इट्स योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंबिका दीक्षित, कीप इट अप बेटा। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर डी लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, क्योंकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, एनीमा देंगे, इवैक्यूएशन होगा तो डिस्टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाली फाइंडिंग में 50 ml ब्राइट रेड ब्लड का मतलब है कि कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुका है। फॉर्म और पेनफुल एब्डोमन का मतलब है कॉन्स्टिपेशन अभी भी प्रेजेंट है। हाई पिच हाइपर एक्टिव बाउल साउंड का मतलब है कि पेशेंट को डायरिया हो गया। तो ये तीनों एबनॉर्मल है, तीनों हम नॉर्मल नहीं कहते हैं, बट एबनॉर्मल जो डिस्टेंशन था वो अब्सेंट हुआ, इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन सबसाइड हुआ। क्या बात है, विहान चौधरी, बहुत बढ़िया बच्चा। ओम प्रकाश गुर्जर, भगराज चौधरी, JNC स्टूडेंट माय डियर, शाबाश बच्चा। तो यहां पर आपका डी राइट आंसर होगा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। पेशेंट इज अ कंप्लेनिंग ऑफ द क्रैम्पिंग, ध्यान से देखना बच्चों, क्रैम्पिंग, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है क्रैम्पिंग ड्यूरिंग इंस्टीलेशन ऑफ द एनीमा सोल्यूशन, वॉट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन बाय द नर्स। मतलब सीधा है, पेशेंट को एनीमा एडमिनिस्टर किया जा रहा था, पेशेंट ने कंप्लेन किया कि मुझे क्रैम्पिंग हो रहा है इंस्टीलेशन के टाइम में, तो डियर नर्सेस की प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? थैंक यू सुशील, थैंक यू सो मच माय डियर। तो डियर नर्सेस की प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा जब पेशेंट कंप्लेन कर रहा है क्रैम्पिंग, कब क्रैम्पिंग कर रहा है? इंस्टीलेशन ऑफ एनीमा के टाइम। तो डियर नर्सेस का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा यहां पर? रेखा, थैंक यू माय डियर रेखा धाकड़, ओके फाइन, राइट आंसर में लिखा है स्टॉप द इंस्टीलेशन एंड रिमूव द ट्यूब फ्रॉम द रेक्टम, कि इंस्टीलेशन को बंद किया, रेक्टम से ट्यूब को वापस निकाल लिया। बी में लिखा है हैव द पेशेंट टेक डीप ब्रीथ एंड इन एंड आउट थ्रू द नोज, कि पेशेंट को बोलना है कि लंबी सांस लें और सांस को इन एंड आउट करें डीपली। सी में लिखा रेज द हाइट ऑफ द एनीमा कंटेनर, नॉर्मली एनीमा कंटेनर मैंने आपको कल बताया था बच्चों 45 cm की हाइट पे या 18 in की हाइट पे पेशेंट के एनस से देखेंगे तो 45 cm की हाइट पे एनीमा कैन को पुट करते हैं,
और बढ़ा सकते क्या? और डी में लिखा है लोअर द हाइट ऑफ एनीमा कंटेनर, लोअर द हाइट ऑफ एनीमा कंटेनर। सोच के आंसर देना बच्चों, क्वेश्चन ट्रिकी है, क्वेश्चन ट्रिकी है, नॉट इजी, नॉट इजी। थिंक अबाउट इट प्रॉपरली, शुड गिव द आंसर। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1800 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। साबस साबस साबस, कीप इट अप, कीप इट अप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिल्पा गौतम 45 सेंटीमीटर बेटा आंसर, दिव्या शर्मा आंसर पुट करो बेटा, चारों में से राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। मुकेश पुरोहित, कुणाल सिंह परमार, प्रतीका आंसर पुट करो बेटा, विच इज द राइट आंसर। यहां लिखा आपने कि स्टॉप द इंस्टॉलेशन एंड रिमूव द ट्यूब फ्रॉम द रेक्टम, मतलब पेशेंट ने क्रैम्पिंग का बोला आपने तो सीधा डिस्कनेक्ट कर दोगे क्या, डिस्कनेक्ट कर दोगे क्या, या फिर लोअर द हाइट ऑफ द एनिमा कंटेनर हाइट को कम कर दोगे। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। इट्स टू मच ट्रिकी, टू मच ट्रिकी बच्चों। या एक का पीछा कोई छोड़ ही नहीं रहे, एक का पीछा छोड़ दीजिएगा, आंसर डी राइट होगा, आंसर डी है डायरेक्ट। क्या होगा, क्या होता है, ये जो हाइट है एनिमा कैन की, ये जो पेशेंट का एनएस है, ये जो पेशेंट का एनएस है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स से, जब बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स से ये अमाउंट एंटर होता है इनटू द एनएस, दैट कैन कॉज क्रैम्पिंग, दैट कैन कॉज क्रैम्पिंग। तो हमें क्या करना है, इस हाइट को कम कर देना है, हाइट को कम कर देना है, तो प्रेशर जो डिलीवर होने का है वो डिक्रीज होगा, प्रेशर डिलीवर होने का डिक्रीज होता, जैसे ही क्रैम्पिंग सबसाइड हुआ तो वापिस आप अप कर सकते, जैसे ही क्रैम्पिंग सबसाइड हुआ वैसे आप एनिमा कैन को अप कर सकते हो। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, क्योंकि वी डोंट हैव सीधा क्रैम्पिंग का मतलब ये थोड़ी कि आपने डिसकंटिन्यू करके ले जाके वापिस रख दिया। माय डियर, यू शुड नीड टू बी थिंक अबाउट इट एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट आंसर। हियर यू कैन सी, एक बार फिर से बता रहा हूं, जब हम एनिमा कैन को हाइट पे रखेंगे, ये हाइट मैंने आपको 45 सेंटीमीटर पुट किया, तो फ्लूड जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से जैसे रेक्टम से होता हुआ है, सॉरी एनस कैनाल से होता हुआ रेक्टम में पहुंचेगा, दैट कैन कॉज क्रैम्पिंग, दैट कैन कॉज क्रैम्पिंग। व्हाट वी आर डूइंग उसको डाउन करेंगे, उसको डाउन करेंगे, डाउन करने की वजह से प्रेशर राइज होगा और फ्लो जो है वो डिक्रीज होगा, क्रैम्पिंग सबसाइड हो जाएगा, अगेन यू विल बी हैंड अप, दैट यू कैन सी। ओके फाइन, तो आपका डी यहां पर राइट आंसर है, डी यहां पर राइट आंसर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट एक इमेज आपके सामने पुट किया है, इस इमेज को देख के मुझे आंसर पुट करेगा, इमेज को देख के आंसर पुट करेगा। हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों, कल का पेंडिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल का पेंडिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। Everybody give the answer. Which is the right answer? Which is the right answer? I was put it here. एक इमेज आपके सामने, इस इमेज का नाम पूछा है, एक इमेज का नाम पूछा बच्चों, अरे बदमाश बच्चों, एक इमेज का नाम पूछा, इमेज आपके सामने पुट किया, इसका राइट आंसर पुट करें। सबस, कुछ बच्चों ने आंसर पुट करना स्टार्ट किया है। देखिए, अपने तरफ से जनरेट मत करना बच्चों, यदि आपको आंसर नहीं आया तो आपको वेट करना, और मैं बता दूं 99% बच्चों को आंसर नहीं पता होगा, तो कॉपी पेस्ट करके कुछ भी मत लिखे, कुछ भी मत लिखे, क्योंकि गलत लिखने से बच्चों आपके गलत कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं, और आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं किसी भी शर्त पे कि आप किसी भी टॉपिक और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप करें, इसीलिए मैं क्लियर कहता हूं बच्चों, इस इमेज को देख के सही आंसर पुट करें, इमेज को देख के सही आंसर पुट करें। नहीं पता है तो आज के बाद पता चल जाएगा, आज के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन, ये एग्जाम का क्वेश्चन। इट्स ओके फाइन माय डियर, दैट वी कैन से रेक्टल बल्ब सिरिंज टू एडमिनिस्टर स्मॉलर एनिमा। क्या करते हैं इसको ऐसे एयर को पुश करके उस लिक्विड सब्सटेंस में पुट करेंगे, उस सब्सटेंस को सक आउट करेंगे, फिर इस ट्यूब को रेक्टम में इंसर्ट करेंगे, फिर यहां से प्रेशर पुट करेंगे, तो पेशेंट को स्मॉल अमाउंट ऑफ एनीमा अराउंड 50 टू 100 ml एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो याद रखना, जब भी पेशेंट को स्मॉल अमाउंट ऑफ एनीमा देना होता है, चाहे वो सोप वाटर एनीमा हो सकता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनीमा देना होगा, उस समय हम रेक्टल बल्ब सिरिंज का यूज करते हैं, दिस इज योर इमेज बेस्ड एग्जाम, इमेज बेस्ड एमसीक्यू बच्चों। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इमेज बेस्ड आ सकता है, तो आपको आंसर सही लिखना होगा बच्चों,
आपको आंसर सही लिखना होगा। इट्स ओके माय डियर, जिसको आंसर नहीं पता है आज के बाद ये क्वेश्चन कहीं भी आता है तो मेरे बच्चे आंसर पुट कर सकते हैं, मेरे बच्चे बिल्कुल आंसर पुट कर सकते हैं। दैट इज दैट यू गेन कॉन्फिडेंस, यू गेन कॉन्फिडेंस। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। नर्स इज अ प्रिपेयरिंग, ध्यान से देखिएगा, नर्स इज अ प्रिपेयरिंग फ्लूड फॉर द एनीमा टू बी एडमिनिस्टर्ड। ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, नर्स इज अ प्रिपेयरिंग फ्लूड फॉर द एनीमा टू बी एडमिनिस्टर्ड। 72 ईयर ओल्ड, देखना बच्चों, 72 ईयर ओल्ड का मतलब है ये एल्डरली पेशेंट है। कौन सा है? एल्डरली। और एल्डरली एज जो होती है वो 65 ईयर से ज्यादा एज को हम एल्डरली बोलते हैं, ज्यादा एज को हम एल्डरली बोलते हैं। ये दिमाग पे बिठाना, ये दिमाग बिठाना, सारा क्वेश्चन इसी एज ग्रुप पे डिपेंड करेगा। नर्स इज अ प्रिपेयरिंग फूड फॉर द एनीमा टू बी एडमिनिस्टर टू ए 72 ईयर ओल्ड पेशेंट फॉर कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट की प्रॉब्लम क्या थी? कॉन्स्टिपेशन था, कब्ज था। कब्ज तो वर्ड सुना होगा, कॉन्स्टिपेशन था। पेशेंट इज अनेबल टू पुट दैट इज अ पास आउट द स्टूल, नहीं स्टूल को पास कर पा रहा था बच्चों। हियर यू कैन सी ऑप्शन, देखिए, प्रिपेयर 750 ml ऑफ वार्म सॉल्यूशन, पोजिशन द पेशेंट ऑन हिज राइट साइड, ऑन हिज राइट साइड, एलिवेट द सोल्यूशन बैक 20 to 25 inch एंड इन्फ्यूज द सोल्यूशन ओवर 4 to 7 minutes, विच इज द राइट आंसर। मैंने कहा था नर्स अप्रोप्रिएटली, नर्स अप्रोप्रिएटली, सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना। मैं हिंट देता हूं, मैंने कहा था एक साल का बच्चा है तो उसको बच्चों हम 250 ml एडमिनिस्टर करते हैं। मैंने कहा था यदि चिल्ड्रन है तो बच्चों हम 250 से 500 ml एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मैंने कहा था अडल्ट है तो हम 500 से 1000 ml एडमिनिस्टर करते हैं। तो कुछ आइडिया लगा होगा, कुछ आइडिया लगा होगा। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, देखिएगा पेशेंट ही इज ऑन राइट साइड, यहां पर पेशेंट को लेफ्ट साइड पोजिशन देंगे। 20 to 25 inch में मैंने आपको यहां पर 18 inch बताया, 4 to 7 minutes में यहां पर टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, जैसे ही फिनिश होता रिमूव कर लेते हैं। तो विच इज द राइट आंसर, विच इज द, शिल्पा गौतम, दिव्या शर्मा, विहान, प्रदीप, फटाफट आंसर पुट करेगा कौन सा राइट आंसर होगा। पेशेंट को फ्लूड फॉर एनीमा प्रिपेयर करना है, 72 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, कंप्लेन कर रहा था कॉन्स्टिपेशन। तो डियर नर्सेस अप्रोप्रिएटली क्या करेगी, डियर नर्सेस अप्रोप्रिएटली क्या करेगी बच्चों, क्या बात है, शाबाश शाबाश। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहाँ पर ए आंसर पुट किया है, लगभग 1900 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब पे क्लास को वॉच करें, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। तो आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा बच्चों, प्रिपेयर 750 ml वार्म सॉल्यूशन, लेट्स गेटिंग एवरीबॉडी। तो ये तक थी कहानी कल के बच्चे वे एमसीक्यू जो मैंने कल आपके लिए प्रिपेयर किए थे, बट कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्वेश्चन कल डिलीवर नहीं कर पाए। बट मैंने कहा था आपका हक जो है ना वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता, जो आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया वो आपका ही है, वो कंटेंट आपका है, Nobody can escape it. जो आपके लिए मेहनत करके प्लान किया वो कंटेंट आपका ही बच्चों। मैं आपको एक दो बातें क्लियर कर देता हूं, जो आपके पढ़ने का सिस्टम है बच्चों, जो आपका स्टडी का सिस्टम है, उस सिस्टम में मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन लिए आपको यहां पर आदेश करूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा। जिन बच्चों ने ध्यान से देखना बच्चों, जिन बच्चों ने जेएनसी का एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया, सुनना बच्चों, जिन बच्चों ने जेएनसी का एमसीक्यू बैच ज्वाइन किया, 10th MCQ बैच, उन बच्चों को थ्योरी जो है वो 23 जून से पहले फिनिश करना। थ्योरी जिन्होंने जेएनसी का ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, जो जेएनसी ऑफलाइन स्टूडेंट है, जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो बच्चा जेएनसी 10th MCQ बैच को ज्वाइन किया है, 10th MCQ बैच को ज्वाइन किया है, उन बच्चों के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है, वो थ्योरी जो अपना 23 जून से पहले फिनिश करें, जिसमें मेनली क्या क्या फिनिश करना है बच्चों, FON फिनिश करना है, MSN फिनिश करना है, OBG फिनिश करना है, PDR फिनिश करना है और साइकेट्रिक फिनिश करना। ये आपके मेन सब्जेक्ट है जो आपको 23 तारीख से पहले फिनिश करना, 23 तारीख से पहले थ्योरी फिनिश करना है। जिसका ये सब्जेक्ट थ्योरी फिनिश हो गया वो बाकी सब्जेक्ट में जा सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है, फार्मा है, एजुकेशन है, रिसर्च है, ये मैं आपको एमसीक्यू बैच के साथ कैरी ऑन करवा लूंगा, ये मैं आपसे पढ़वा लूंगा और मैं आपको सॉल्व भी करवा लूंगा। एमसीक्यू बैच की बात करो बच्चों, बट हियर यू कैन सी
जिन बच्चों का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीसी, पीडिया, साइकेट्रिक, या वो जो बच्चा ये मान रहा कि मैंने तो थ्योरी सब कुछ पढ़ ली है, 3 बार पढ़ ली, 4 बार पढ़ ली, उसके लिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं बच्चों। उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, सपोज उसका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सब्जेक्ट है और उस बच्चे को यह फाइंड आउट करना है कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक तुझे अभी भी समझ में नहीं आया है और अभी भी उस टॉपिक का आंसर आपके पास नहीं है और आपके लिए बहुत टफ है, उस टॉपिक का नाम लिखना। सपोज फंडामेंटल की बात करो, यदि किसी बच्चे ने लिखा है कि राइस ट्यूब, किसी बच्चे ने लिखा राइस ट्यूब, किसी बच्चे ने लिखा है सूचर, किसी बच्चे ने लिखा सूचर, किसी बच्चे ने लिखा नर्सिंग प्रोसेस, किसी बच्चे ने लिखा नर्सिंग प्रोसेस। दूसरा एमएसएन की बात करें तो किसी बच्चे का डाउट है ईसीजी, उसको अभी भी समझ में नहीं आई, या बच्चे का डाउट है कि उसको रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस अभी समझ में नहीं आया, इस तरीके से आपने ओबीजी का लिस्ट बनाया, तो ये आपको लिस्ट बनाना है और लिस्ट में जो टॉपिक अभी तक आपके लिए तकलीफदायक थे उन टॉपिक को 24 जून से पहले फिनिश कर लीजिएगा, 24 जून से पहले फिनिश कर लीजिएगा। एनी हाउ दिस इज इंस्ट्रक्शन टू यू, दिस इज इंस्ट्रक्शन फॉर द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। वो बच्चे उस टफ टॉपिक का लिस्ट बनाए और ये असाइनमेंट आज ही फिनिश करना है आपको, ये असाइनमेंट आज ही फिनिश करना है। क्लास फिनिश होने के बाद में सब्जेक्ट वाइज उन टॉपिक का लिस्ट बनाए, जो टॉपिक अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, जिसपे आपको बहुत टफ लगता होगा, उन टॉपिक को 23 जून से पहले फिनिश कर लेना बच्चों, क्योंकि 24 जून का जो एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं बता देता हूं हजारों बच्चों ने एडमिशन लिया है और 24 जून से लेके नॉर्सेट तक क्या करना ये मैं डिसाइड करूंगा आपके लिए, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ाया जाएगा, इट्स माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। 24 तारीख के बाद आपकी नहीं चलेगी बच्चों, 24 तारीख तक का टाइम है। ताराचंद डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू सो मच। जिन्होंने कंप्लीट कोर्स ले रखा है क्विक फिनिश करिएगा, 24 तारीख को जो जर्नी स्टार्ट होगा वो नॉर्सेट के दरवाजे पे जाके रुकेगी, उसी दिन छोड़ूंगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के पेपर के बाद फिर आपसे पूछूंगा कि क्या कैसा रहा आपका पेपर, क्योंकि पूरी प्लानिंग कर चुका हूं मैं आपके लिए कि 24 जून से लेके नॉर्सेट तक कितने घंटे कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे पूरे सिलेबस को कवर करना है, इट्स माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका काम मैंने आपको दे दिया है, इन सब्जेक्ट को आप फिनिश करिएगा एनी हाउ बिफोर 24 जून। 24 जून के बाद नया प्लान आपके सामने डिस्प्ले कर दूंगा बच्चों, इट्स योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लगभग 2000 से 2500 बच्चों का बैच YouTube पे चल रहा है और इससे ज्यादा बच्चों ने MCQ में एडमिशन लिया, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, आपको आपके मंजिल तक ले जाने की पूरी जिम्मेदारी। काजल राजपूत डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू सो मच काजल। ओके फाइन, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है बच्चों, ऑक्सीजन थेरेपी को स्टार्ट करें। ऑक्सीजन थेरेपी को कैरी ऑन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जेएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुकलेट्स जो है वो अवेलेबल है बच्चों, जिसमें नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट, बेसिक और एनक्लेस के नोट्स है, थ्योरी नोट्स है, इंग्लिश में नोट्स है, 5 बुक्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी, सॉरी इमेज बेस्ड दिया हुआ है। इसको परचेज करने के लिए आपको सीधा जेएनसी की वेबसाइट पे जाना है, www.jnc-jodhpur.com पे, या फिर आप 9636032691 पर सीधा पेमेंट करना 1600 रुपए और इस बुक्स को परचेज करना है, आपको अगले 5 से 7 दिन में आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा बच्चों। जेएनसी आपके द्वार, हर बच्चे के लिए जेएनसी अपने एफर्ट्स लगा रही है। तो ये नोट्स और जेएनसी बुकलेट लेने का तरीका है, जिन बच्चों को परचेज करना बिल्कुल परचेज करें। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक का पहला एमसीक्यू आपके सामने, व्हेन कैरिंग फॉर अ पेशेंट, विथ क्रॉनिक लंग, ध्यान से देखना बच्चों, विच क्रॉनिक लंग डिजीज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी बाय नेजल कैनुला, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द नर्स। बच्चों यहां पर कम से कम मैं आपको 10 एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा इस एक क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना। हियर यू कैन सी तुलसी कलस्वा डोनेटिंग 50 रुपीज टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच तुलसी। ये
आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका डेडिकेशन, आपका भरोसा है. When caring for the patient with the chronic lung disease on the oxygen therapy by nasal cannula, most important check that expected for the nurse. इस patient को oxygen देने से पहले, oxygen देने से पहले dear nurse क्या check करेगी? The oxygen must be humidified. The rate will 2 liter per minute or less. Periodic sampling of arterial blood for ABG. The rate will be 6 liter per minute or more. याद रखना, इन्होंने क्या लिखा, पेशेंट को क्रॉनिक लंग डिजीज है. इसने डिजीज का नाम नहीं लिखा. ओवर स्मार्ट मत बनना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. इन्होंने डिजीज का नाम नहीं लिखा है. डिजीज का नाम लिखते तो आप जरूर एक पर्टिकुलर आंसर पुट कर सकते थे. फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन ट्रिकी है. व्हेन कैरिंग ऑफ पेशेंट विद अ क्रॉनिक लंग डिजीज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी बाय द नेजल कैनुला मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ नर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू चेक. और आप गलती कर रहे हो, आप आंसर सही नहीं दे रहे हो, आप गलती कर रहे हो बच्चों. सोच के आंसर दीजिए बच्चों. क्या बात है, लगभग 1900 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें. आंसर थोड़ा सोच के दीजिएगा बच्चों. आप पता है एक का पीछा नहीं छोड़ोगे. Definitely, ए जो है राइट आंसर होगा बच्चों. मैं बताना चाहता हूं, यदि यहां पर COPD लिखा होता है तो आपका ये राइट होता है. यहां सब क्या लिखा, क्रॉनिक लंग, किसी भी टाइप्स का, टीबी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, किसी भी तरह अस्थमा हो सकता है. गेट इट एवरीबॉडी. दूसरा यहां लिखा, ऑक्सीजन मस्ट बी ह्यूमिडिफाइड. क्यों जरूरी है? टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ म्यूकस मेमोरी ऑफ नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. इसीलिए जब भी पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हो, डियर नर्सेस शुड नीड टू बी नो कि ऑक्सीजन मस्ट बी ह्यूमिडिफाइड. ऑक्सीजन मस्ट बी ह्यूमिडिफाइड. दूसरी बात, ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सभी का. दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि यदि पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, मस्ट बी ह्यूमिडिफाइड, क्योंकि टू प्रिवेंट डैमेज और ब्रेकडाउन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन. हियर यू कैन सी, यदि हम बात करें, द रेट विल बी 2 लीटर. एग्जैक्टली माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि हम नेजल कैनुला की बात करें, नेजल कैनुला को नेजल प्रॉन्ज भी बोलते हैं, नेजल कैनुला के द्वारा नॉर्मली 1 to 6 liter पर मिनट ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जा सकता है. और बच्चों 24 to 44% O2 एडमिनिस्टर किया जा सकता है. ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, नेजल कैनुला की हम बात करें, और दिल्ली एम्स का फेवरेट एमसीक्यू नेजल कैनुला पे बनता है कि नेजल कैनुला से जब भी आप पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हो तो 1 to 6 liter, मिनिमम 1 liter, मैक्सिमम 6 liter आप O2 दे सकते हैं. दूसरी बात, परसेंटेज में पूछे तो 24 to 44% आप दे सकते हो. यदि हम बात करें कि नेजल कैनुला से यदि सीओपीडी वाले पेशेंट को O2 देना है तो नॉट मोर देन टू लीटर. क्योंकि क्या होगा, जब पेशेंट को सीओपीडी होगा, योर लंग्स कैन नॉट एबल टू अडॉप्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उसको एटेलेक्टेसिस हो जाएगा. हियर यू कैन सी. ओके फाइन, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन मस्ट बी ह्यूमिडिफाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन अ प्री टर्म बेबी लिखा हुआ. प्री टर्म बेबी कैन कॉज, यहां लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ऑक्सीजन थेरापी इन अ प्रीटर्म बेबीज कॉज, व्हाट कैन कॉज. ऑप्शन लिखा नियोनेटल सेप्सिस. बी में लिखा नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया. सी में लिखा रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया. और डी में लिखा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. सोच के आंसर देना बच्चों. यदि पेशेंट को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हुआ है, बच्चा जो है प्रीटर्म, याद रखना प्रीटर्म बच्चे में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से वो कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है, याद रखना
फ्री टर्म बच्चे को जब आप ऑक्सीजन दोगे तो कौन सा मेथड यूज करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन हुड मेथड यूज करते हैं, ऑक्सीजन हुड मेथड यूज करते हैं। ये ट्रांसपेरेंट डिवाइस होती है, ये ट्रांसपेरेंट डिवाइस होती है जिसके अंदर बेबी के हेड को पुट किया जाता है और डिवाइस के टॉप से क्या डिलीवर किया जाता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं। और बेबी की आईज यदि ओपन है, बेबी की आईज यदि ओपन है तो लगातार आईज में ऑक्सीजन जाने की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन कॉज होता है। और आप सभी का आंसर यहां पर एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। और ये ओ टू हुड मेथड का कॉम्प्लिकेशन है बच्चों, ओ टू हुड मेथड का कॉम्प्लिकेशन है। ध्यान से देखना, यदि यदि इफ मोर देन 30 डेज, मोर देन 30 डेज ओ टू एडमिनिस्टर करते हैं बच्चे को, ओ टू एडमिनिस्टर करते हैं बच्चे को विथ ओ टू हुड मेथड, ओ टू हुड मेथड दैट कैन कॉज रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, दैट कैन कॉज रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। क्या होगा बच्चे इसमें? एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्रोलीफरेटिव प्रोलीफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ऑफ फाइब्रस टिश्यू बिहाइंड लेंस, बिहाइंड लेंस मतलब क्या है? लेंस के पीछे, लेंस के पीछे। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एबनॉर्मल फाइब्रस टिश्यूज का ग्रोथ हो जाएगा, एबनॉर्मल फाइब्रस टिश्यूज का ग्रोथ हो जाएगा जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और ये कॉम्प्लिकेशन को कहते हैं रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। बहुत सारे बच्चों ने लग रहा है आज ऑक्सीजन को रिसेंटली फंडामेंटल में पढ़ा है ऑनलाइन कोर्स में, बड़े अच्छे आंसर दे रहे हो आप लोग। इससे पता चलता है कि आप हाउ मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स, डेडिकेटेड टूवर्ड्स ऑनलाइन कोर्स पुष्पा मेहरा। आज ही ऐसा लग रहा है आपने जेएनसी के ऑनलाइन कोर्स में ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ा हुआ है, एक एक क्वेश्चन का कंटिन्यू सिस्टमेटिकली क्विक आंसर आप पुट कर रहे हो बच्चों। और आई होप कि आने वाले क्वेश्चन भी आपको उतने ही आसान लगे, उतने ही आसान लगे। और यही एक रिस्पॉन्सिबल टीचर की जिम्मेदारी होती है कि कंटेंट बच्चों को वो डिलीवर करो कि उनको किसी भी बुक की जरूरत ना पड़े मार्केट में। एक बार यदि किसी टीचर का दिया हुआ कंटेंट बच्चा पढ़ लें तो उसको समझ में भी आ जाए, याद भी रहे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें और सिलेक्शन भी। कल्पेश, कल्पेश डोनेटिंग 100 रुपीज टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू कल्पेश। नितेश धाकर डोनेटिंग 20 रुपीज टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू ऑल फाइटर्स टू डेडिकेटेड टू डोनेट इन द पुअर स्टूडेंट फंड। और आपका JINC हमेशा सदैव आपके लिए इसी तरीके से, इसी ईमानदारी के साथ मेहनत करता रहेगा बच्चों। और आपके आज के स्टडी का आउटपुट दिख रहा मुझे, बिल्कुल मैं समझ चुका हूं कि आपने जो पढ़ा नोट्स में JINC के ऑनलाइन कोर्स में उसके आंसर आप यहां पर पुट करें, उसका आंसर यहां पर आप पुट करें, शाबाश, फंटास्टिक माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। एक और क्वेश्चन आता है कि रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो हाइपर ऑक्सीजनीमिया, हाइपर ऑक्सीजनीमिया के साथ एसोसिएटेड। थैंक यू तालिब, तालिब थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क माय बच्चा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तालिब, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो आप। हाइपर हाइपर ऑक्सीनीमिया, सीधी सी बात है ब्लड में यहां पर ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा ड्यू टू ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, ड्यू टू ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ओके फाइन, ओके फाइन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। एक इमेज यहां पर पुट किया, ध्यान से देखना, एक इमेज यहां पर पुट किया, थैंक यू मुकेश, एक इमेज पुट किया बच्चों। इस इमेज को देख के मुझे ये बताइए कौन सा O2 मेथड है, ये इमेज जो है ये कौन सा O2 मेथड है, इसका इसका नाम मुझे आप पुट करिएगा बच्चों, फटाफट पुट करिएगा। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम, दैट इज द नेम, इस मेथड का नाम क्या, इस O2 एडमिनिस्ट्रेशन मेथड का नाम क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों आपसे, ये मेरा क्वेश्चन आपसे। और आप कोई आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर पुट करेगा, मदनपुरी बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, क्विक आंसर पुट करेगा। इस इमेज को देख के आपको बताना कि कौन सा O2 मेथड है, कौन सा O2 मेथड है बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। पंकज गौतम डोनेटिंग 50 रुपीज, थैंक यू पंकज, थैंक यू सो मच माय डियर टू डोनेटिंग टू कंट्रीब्यूटिंग द JINC फैमिली।
मेथड का नाम लिखिएगा बच्चों, लगभग 2000 प्लस बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं। आई वॉन्ट एवरीबडी, सबसे आंसर चाहिए, और एक बार लाइक जरूर कर दें, क्योंकि क्लास 2000 प्लस बच्चे देख रहे हैं और लाइक तो बहुत लिमिटेड है, तो आप लाइक करें। बेहतरीन एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूं बच्चों, फटाफट लाइक करें। उन टेररिस्ट को रिप्लाई भी तो करना है, जेएनसी आर्मी को, कि व्हाट इज द पावर ऑफ जेएनसी आर्मी, व्हाट इज द पावर ऑफ जेएनसी आर्मी। फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा। ज्यादातर बच्चों ने O2 हुड मेथड लिखा है, और डेफिनेटली डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ। मैंने अभी रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया की बात की थी, वहां पर बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक ट्रांसपेरेंट डिवाइस होती है। ये जो डिवाइस दिख रही है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता पारदर्शी, मतलब दिख जाता जिसके अंदर से, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो ट्रांसपेरेंट डिवाइस है O2, इसमें टॉप से हम डिलीवर कर रहे हैं, टॉप से हम O2 डिलीवर करें, बेबी को यहां पर लिटाया हुआ है और इसमें ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, तो बच्चे की आईज को क्लोज करते हैं। आईज को क्लोज करते हैं, क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, टू प्रिवेंट रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। क्लोज नहीं करोगे तो फाइब्रस टिश्यूज का लेंस के पीछे एबनॉर्मल ग्रोथ होगा और दिखाई देना बंद हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा बच्चों। देन स्मॉल बॉक्स होता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बॉक्स होता है, ऑक्सीजन इसमें जो एंटर होता है, हमने कहा था टॉप ऑफ द बॉक्स से एंटर होता है बच्चों। ये इन्फेंट का O2 एडमिनिस्ट्रेशन करने का सुटेबल मेथड है। यदि एक साल के बच्चों को ऑक्सीजन देना है, एक साल के बच्चे को O2 एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो ये बेस्ट मेथड है बच्चों, सुटेबल मेथड है वी कैन से। देन अब पूछते हैं कि कितना फ्लो रेट होगा, एग्जाम का क्वेश्चन, फ्लो रेट क्या होगा? 2 लीटर पर मिनट। फ्लो रेट क्या होगा? 2 लीटर पर मिनट फ्लो रेट होता बच्चों। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2 का फ्लो रेट है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी। मैंने पुटा पुट किया बच्चों, 2 लीटर पर मिनट से देना है, 2 लीटर पर मिनट से देना है, और बच्चे को सेमी फाउलर पोजीशन या लेटरल पोजीशन में इस डिवाइस के अंदर पुट करना है। ये पोजीशन बच्चे को देना है, या तो सेमी फाउलर, सेमी फाउलर का मतलब 32-45 डिग्री एंगल पे, या फिर लेटरल पोजीशन पुट कर सकते हो, या फिर लेटरल, दीपक परमार थैंक यू बच्चों, या फिर लेटरल पोजीशन आप पुट कर सकते हो, याद रखिएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और जो बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं, आपका एक अच्छाई मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मैं पिछले 3 से 4 दिन से वॉच कर रहा हूं बच्चों, कोई बच्चा क्वेरी पूछता है जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में, कहीं पर भी कमेंट बॉक्स में किसी बच्चे का मैसेज आता कि कोर्स कैसे परचेज करना है, या ऑफर क्या चल रहा है, या लोगो लगाने का तरीका क्या है, तो आप बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर करते हो एक दूसरे का। आई रियली सैल्यूट यू, आई रियली थैंक यू एवरीबडी जो इतना अच्छा काम जेएनसी परिवार में रह के करते हो। कोई भी बच्चा पूछता है सर मुझे बुक कैसे परचेज करना, तो मैं उससे पढ़ू, उससे पहले उसका आंसर आप दे चुके होते हैं कि आप जैसा प्ले स्टोर पे जाइएगा, आप डाउनलोड करिएगा, इस तरीके से बुक को परचेज करना। और ये एक परिवार में हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका जिम्मेदारी क्या है, आपके पेरेंट की जिम्मेदारी क्या है, आपके मेंटोर की जिम्मेदारी क्या है। और जब हर इंसान अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी को समझ जाता है तो वो परिवार ग्रो करता है। कपिल प्रजापत डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच। तो परिवार ग्रो करता है, और परिवार के ग्रो का सबसे बड़ा जो ताकत होता है परिवार के सदस्यों का होता है। और आप जो लगातार ये जिम्मेदारी निभा रहे हो, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि टेलीग्राम पे जेएनसी फैन क्लब के नाम से, जेएनसीएन के नाम से पेज बना रखे हैं, जहां पर वो बच्चे डेली क्वेश्चन डालते हैं, डेली क्वेश्चन डालते हैं और उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लास जब स्टार्ट होती है तो हर क्लास का लिंक वहां पर पुट करते हैं। ये जेएनसी का फैन क्लब है, तो बहुत सारे बच्चों ने अपने नाम के आगे जेएनसी फैन करके लिखा हुआ है। फेसबुक पे मैं देख रहा हूं, इंस्टा पे मैं देख रहा हूं, अलग अलग जगह आपकी एक्टिविटीज मैं देखता हूं, और ये ट्रूनेस को इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट ऐसे करता, पंकज गौतम डोनेटिंग 39 रुपीज, थैंक यू पंकज। ये इंडिकेट करता है कि सर आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे, हम आपके साथ हैं, हम आपका वर्कलोड कम करेंगे, हम इस एक्टिविटी को संभालेंगे। तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं आपको और बेटर कंटेंट दूं, आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट डिलीवर करूं। जब मेरे हैंड्स स्ट्रांग होंगे, जब मेरा बैकबोन स्ट्रांग होगा, वो आपसे होगा बच्चों। तो मैं और मेहनत करूंगा और पढ़ूंगा ताकि मैं आपको और बेस्ट दे सकूं।
और इसी परिवार की तरह आगे बढ़ते रहेंगे और आपके सपनों को मैं पूरा कराऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। बच्चों मेरी तरफ से आप अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाने की कोशिश करना बच्चों। ये बातें जो है ये दिल से निकली हुई बातें हैं कि इतना बड़ा परिवार है, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर रहा है खुद ही और करते रहिएगा। बहुत सारे बच्चों ने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल अपने नाम के पीछे जेएनसी नाम लिख के बनाया, ये अपनापन है बच्चों। थैंक यू एवरीबॉडी टू ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज सपोर्ट ऑफ कंबुशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज सपोर्ट ऑफ कंबुशन? सिंपल बताऊं, वो कौन सी गैस है जो आग लगने में सहायक है, आग लगने में सहायक है, या वो कौन सी गैस है जो ज्वलनशील है, जलने में मदद करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज सपोर्टर ऑफ कंबुशन? ऑप्शन में लिखा हाइड्रोजन, ऑप्शन लिखा नाइट्रोजन, ऑप्शन लिखा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन लिखा ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज अ सपोर्टर ऑफ कंबुशन? चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। शुक्रिया भगवान, थैंक यू भगवान मीना। आंसर पुट करिएगा बेटा, ए बी सी डी, मुकेश, राधे कृष्णा, चारों में से राइट आंसर पुट करिएगा बच्चों। मैंने पूछा वो कौन सी गैस है जो आग में मदद कर सकती है, आपने आंसर लिखा बच्चों O2, बिल्कुल सही आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये कब? फायर के बाद, जब पेशेंट को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है। तो यहां पर भी हम क्या देते हैं बच्चों, O2 देते हैं। कितना देते हैं? 100%। और ये एंटीडॉट के रूप में देते हैं। यहां पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के एंटीडॉट के रूप में, याद रखना बच्चों, एंटीडॉट के रूप में क्या देंगे, हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हैं, बट O2 जो है वो फायर में मदद करती है। मैं एक एग्जाम्पल आपको पुट करूं। सपोज ये एक जगह है, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, फायर हो रखा, आग लगी हुई है और ये आग तब तक आग बढ़ती रहेगी जब तक इसको क्या मिलता रहेगा बच्चों, ऑक्सीजन। ये आग तब तक बढ़ती रहेगी कब तक, जब तक इसको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। और आग बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी डालते। जैसे ही आप वॉटर डालोगे तो वॉटर क्या करता है, एक परत बनाता है। ये परत क्या करेगा, इस O2 और इस फायर के बीच में ब्रेकन डाउन कर देगा, मतलब कनेक्शन तोड़ देगा। और जैसे ही कनेक्शन टूटेगा तो फायर जो थी बच्चों वो क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। हम जब भी आग लगी हुई या फायर को देखते हैं, फायर तब तक डेंजर होता है जब तक उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। और जैसे ही हमने पानी डाला तो पानी की परत बनेगी, तो ऑक्सीजन और फायर का कनेक्शन ब्रेक होगा, तो आग बुझ जाती है। आपने सुना होगा जब भी हम पेशेंट को डिफिब्रिलेट करवाते हैं तो डियर नर्सेस का काम क्या होता है, शट ऑफ O2। डियर नर्सेस का काम होता है कि डिफिब्रिलेशन करने से पहले माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट फायर। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि डियर नर्सेस की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ड्यूरिंग डिफिब्रिलेशन। थैंक यू पद्मिनी राठौर। ड्यूरिंग डिफिब्रिलेशन जब भी आप करंट डिलीवर करते हो, यदि पेशेंट को ऑक्सीजन चल रहा है तो फायर लग सकता है, आग लग सकता है। और इसीलिए तुरंत क्या करना है, डिफिब्रिलेट करवाते समय ऑक्सीजन को ऑफ कर देना है। क्यों कर देना है, टू प्रिवेंट फायर
टू प्रिवेंट फायर माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन, विल मूव फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों. ए फायर ब्रेकआउट, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा मैंने आपसे, ए फायर ब्रेकआउट इन योर वार्ड, आपके वार्ड में आग लग गई, आपके वार्ड में आग लग गई, तो पहला एक्शन क्या होगा? व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन व्हेन फायर इन योर वार्ड, आपके वार्ड में आग लगने के बाद पहला एक्शन आपका क्या होगा? व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? हियर यू कैन सी, कॉल 101 फायर ब्रिगेड, शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव. सीम लिखा बच्चों, डू यूज द फायर विथ फायर एक्सटिंग्विशर. देखिए फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आग बुझाने वाले यंत्र. आपने देखा रेड कलर का सिलेंडर होता है और उससे हम आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं. फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब वो रेड कलर का सिलेंडर जो हर जगह लगा रहता है बदमाश बच्चों. और डीम लिखा है, इवैक्यूएट द पेशेंट फ्रॉम द वार्ड, पेशेंट को वार्ड से बाहर निकालेंगे. मैं पहले बता देता हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. पेशेंट को वार्ड से बाहर निकालेंगे, चार ऑप्शन है. आग लग गई आपके वार्ड में, तो डियर नर्सेस का पहला इंटरवेंशन क्या होगा? डियर नर्सेस का पहला इंटरवेंशन क्या होगा? और सब भटक गए जो भटक रहे थे यहां पर. क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो. पहला इंटरवेंशन पूछ रहा हूं, आग लगने के बाद पहला इंटरवेंशन शट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा. फर्स्ट इंटरवेंशन पूछा है, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, प्रायोरिटी बताऊंगा. सोच के आंसर देने की आदत डाल दो, सोच के आंसर देने की आदत डाल दो. मैंने पहला इंटरवेंशन अभी जो आपको बताया वो अलग मैकेनिज्म था, वो आग को बुझाने का तरीका अलग था. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि आपके वार्ड में एक मरीज लेटा हुआ है, वहां आग लग गई, तो पहला काम क्या होगा, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा बच्चों. डी जिन्होंने लिखा है उसका आंसर करेक्ट है. कल्पेश लाबाना बिल्कुल सही बच्चों, डी जिन्होंने लिखा है उसका आंसर करेक्ट है. डेफिनेटली रेस जो है टेक्निक बहुत सारे बच्चों को बताया, वार्ड में आग लगने के बाद इस निमोनिक को फॉलो करते हैं. रेस को याद रखना, सबसे पहले क्या करोगे, रेस्क्यू एंड रिमूव क्लाइंट, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी. आर से याद रखना, पेशेंट को क्या करना है, रेस्क्यू करना, जहां आग लगी है वहां से पेशेंट को सबसे पहले रिमूव करना है. बी पे जाना है, एक्टिवेट अलार्म, अलार्म बजाना ताकि फायर ब्रिगेड को अलर्ट मिले और वो आग बुझाने के लिए चले आए, फायर ब्रिगेड को अलर्ट मिले और वो आग बुझाने के लिए चले आए. और सी से याद रखना, कंफर्म फायर बाय द क्लोजिंग डोर विंडो एंड टर्निंग ऑफ द ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. तुरंत क्या करना है कि डोर और विंडो जो है जो क्लोज था उसको ओपन कर देना है और O2 को बंद कर देना बच्चों, इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है उसको बंद कर देना है. और लास्ट में ई से याद रखना, एक्सटिंग्विश फायर बाय द नर्सिंग एक्सटिंग्विशर, आपको आग बुझाने का यंत्र चलाना भी आना चाहिए, आपको आग बुझाने का यंत्र चलाना भी आना चाहिए कि उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं. इट विल हेल्प यू टू एक्सटिंग्विश द फायर. तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आग लगने के बाद पहला काम क्या करेंगे. ज्यादातर बच्चे गलत आंसर पुट करें. हमारा सबसे पहला काम है कि पेशेंट को वहां से रेस्क्यू करें, पेशेंट को वहां से रिमूव करें. इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ डियर नर्सेस, ऑफ डियर नर्सेस. पहला काम है कि पेशेंट को वहां से हम निकालें, दूसरा एक्टिवेट करें अलार्म को, तीसरा ऑक्सीजन को बंद करें और चौथा एक्सटिंग्विशर को यूज करके उस आग को बुझाएं. तो याद रखना सिंपल तरीका, ये रेस करके ट्रिक से बच्चों, इसको रिमेम्बर करना, रेस्क्यू, एक्टिव अलार्म, दैट वी कैन से क्लोज या कंफर्म द फायर, और ई से दैट इज अ एक्सटिंग्विशिंग फायर बाय द नर्सिंग एक्सटिंग्विशर. दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी. ओके फाइन, ओके फाइन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन डिलीवरिंग टू द पेशेंट बाय विच रूट. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिख लीजिएगा कि O2 जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन से रूट से डिलीवर किया जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन से रूट से डिलीवर किया जाता है बच्चों? बाय O2 टेंट, बाय नेजल कैनुला, बाय मास्क, बाय नॉन रीब्रीथर मास्क, बाय नॉन रीब्रीथर मास्क. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर अमित, थैंक यू अमित. विच इज द राइट आंसर? थैंक यू रनासन, आर रनासन, थैंक यू सो मच माय डियर.
मैक्सिमम ऑक्सीजन, जितने भी हम मेथड पढ़ते हैं बच्चों, जितने भी हम मेथड पढ़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन से मेथड के द्वारा डिलीवर किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ओ टू टेंट, नेजल कैनुला, मास्क किसके द्वारा बच्चों? ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन। अब ये वेंचुरी मास्क वाला बच्चा कौन आ गया? योगेंद्र शर्मा, डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट योर सेल्फ माई डियर, कॉपी पेस्ट मत करो, नुकसान हो जाएगा। कहीं पर भी नहीं लिखा है बच्चों वेंचुरी मास्क। तो राइट आंसर क्या होगा? मैक्सिमम ओ टू डिलीवरिंग बाई नॉन रिब्रिथर मास्क। याद रखना, मोर देन 90% ओ टू डिलीवर इस मेथड के द्वारा किया जाता है। मोर देन 90% ओ टू डिलीवर बाई नॉन रिब्रिथर मास्क, बोल सकते हैं हाइएस्ट कंसेंट्रेशन, बोल सकते हैं बच्चों हाइएस्ट कंसेंट्रेशन, हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ ओ टू डिलीवर बाय द नॉन रिब्रिथर मास्क, डिलीवर बाय द नॉन रिब्रिथर मास्क। और लगा लेना बच्चों यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगले नॉर्सेट के एग्जाम के लिए, नॉर्सेट 2021 के लिए इंपॉर्टेंट, पुट कर ही लीजिएगा बच्चों, कर ही लीजिएगा। ओके फाइन, मैंने लिखा प्रोवाइड हाइएस्ट कंसेंट्रेशन मोर देन 90%, और इसको हम उस पेशेंट को यूज करते हैं वो माइट रिक्वायर फॉर इंट्यूबेशन, जिसको इंट्यूबेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसको इंट्यूबेशन की रिक्वायरमेंट है उसमें नॉन रिब्रिथर का यूज करते हैं, नॉन रिब्रिथर मास्क का कॉमनली यूज करते हैं बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल सही, माय लविंग फ्यूचर नर्स शिवेंद्र सिंह तोमर, विहान चौहान, मुक्सा ओम प्रकाश, सब सही आंसर पुट करे हो बच्चों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द परसेंटेज ऑफ फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से देखना, द परसेंटेज ऑफ फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन अ रेड कलर, इन अ रेड कलर वेंचुरी मास्क। अब बात करें हम वेंचुरी मास्क की, हम बात करें वेंचुरी मास्क की, वेंचुरी मास्क में क्या होता है बच्चों? जो वेंचुरी डिवाइस होती है, और वेंचुरी डिवाइस जो है वो मास्क से कनेक्ट करते हैं, एक तरफ ऑक्सीजन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो वेंचुरी डिवाइस अलग अलग कलर कोड की आती है, और अलग अलग कलर कोड है अलग अलग परसेंटेज ऑफ ओ टू को डिलीवर करता। मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना, वेंचुरी डिवाइस, ये सपोज मास्क है, ये ट्यूब्स है, इन दोनों के बीच की जो डिवाइस होगी, इस डिवाइस का नाम है वेंचुरी डिवाइस, दैट वी कैन कंसीडर वेंचुरी मास्क। इन्होंने पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन द रेड कलर, कलर इन्होंने क्या दिया बच्चों? रेड कलर। ऑप्शन 31% एंड 6 लीटर पर मिनट, 35% एंड 8 लीटर पर मिनट, 40% एंड 10 लीटर पर मिनट, और 60% ऑफ 15 लीटर पर मिनट। रेड कलर की बात कर रहा हूं बच्चों, रेड कलर की बात कर रहा हूं, कितना ओ2 डिलीवर कर सकते हैं, कितना ओ2 डिलीवर कर सकते हैं बच्चों? क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करा मेरे बच्चों, सही आंसर पुट करिएगा, शाबाश शाबाश। मैंने भगवान आंसर देख के आंसर पुट करो बच्चों, चारों में से ए बी सी डी में से क्या राइट होगा मैं क्लियर करना चाहता हूं। ये जो वेंचुरी मास्क है, एक तो ये बेस्ट मेथड है, एक तो ये बच्चों बेस्ट मेथड ऑफ ओ2 एडमिनिस्टर, ध्यान से देखना बच्चों, ओ2 एडमिनिस्टर इन सीओपीडी पेशेंट, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट को ओ2 एडमिनिस्टर करने का बेस्ट मेथड है वेंचुरी मास्क। और इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर ले, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि सीओपीडी को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आपको आंसर क्या लिखना, वेंचुरी मास्क। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, मोस्ट एक्यूरेट, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ ओ2 एडमिनिस्ट्रेशन, ओ2 एडमिनिस्ट्रेशन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन कि सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा ओ2 एडमिनिस्ट्रेशन करने का, तो आंसर क्या लिखोगे, वेंचुरी मास्क, तो आंसर क्या लिखोगे, वेंचुरी मास्क। हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, बेस्ट मेथड टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द सीओपीडी पेशेंट, आपको आंसर वेंचुरी मास्क लिखना है। दूसरा मोस्ट एक्यूरेट मेथड किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने का, एक्यूरेट मेथड पूछे तो भी आपको आंसर क्या लिखना है, वेंचुरी मास्क। और आपका राइट आंसर सी बिल्कुल सही है। मैं बताना चाहता हूं बच्चों आपको एग्जैक्टली जो वेंचुरी डिवाइस है उसके द्वारा जो ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है, अलग अलग पैरामीटर है, और इसका याद रखने का तरीका मैंने रेगुलर बैच में भी पढ़ाया, वो आपको भी बताना चाहता हूं। हियर यू कैन सी कलर ऑफ सेट ऑफ अडॉप्टर, कलर ऑफ सेट ऑफ अडॉप्टर बच्चों, यहां पर मैंने लिखा है कलर क्या है और फ्लो रेट क्या है और फ्रिक्शन ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है।
अब क्लर्क को याद रखने का थोड़ा सा एक तरीका है, तरीका ये कि बारात वाले ऑरेंज येलो रेड गाड़ी लेकर आए, शादी तो सबकी होनी वाली है नॉर्सेट के सिलेक्शन के बाद। हाँ ठीक है, आज आपकी शादी में थोड़ा डिमांड कम हो रही होगी, नॉर्सेट के बाद बहुत रिश्ते आएंगे बच्चों, बहुत सारे रिश्ते आने वाले आपके लिए, और आपके मां बाप के और आपके इच्छा अनुसार आपको अच्छा परिवार मिले, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, और सब नॉर्सेट के बाद करना, पहले कुछ भी नहीं। देख बारात वाले ऑरेंज येलो रेड गाड़ी लेकर आए, बारात वाले ऑरेंज येलो रेड गाड़ी लेके आए, बारात से याद रखना बच्चों ब्लू, बारात से याद रखना ब्लू, वालों से याद रखना व्हाइट, ऑरेंज से याद रखना दैट वी कैन से ऑरेंज से याद रखना ऑरेंज, येलो से याद रखना येलो, रेड से याद रखना रेड, और गाड़ी से याद रखना ग्रीन, गाड़ी से याद रखना ग्रीन, क्योंकि जब हम नॉर्सेट में सेलेक्ट हो जाएंगे ना तो हर दोस्त के पास गाड़ी होगी, अलग अलग कलर की गाड़ी होगी, अपने पसंद की गाड़ी होगी, और आपके बाराती बन के आपके साथ आएंगे बच्चों। इसलिए बारात वाले ऑरेंज येलो रेड गाड़ी लेके आए, ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड, याद रखना 2, 4, 6, 8, 10 और 15, ये फ्लो रेट है बच्चों, ये फ्लो रेट है 2, 4, 6, 8, 10 और 15, बाकी फ्रिक्शन 24, 28, 31, 35, 40 और 60, हमें ये याद रखना है, हमें ये याद रखना है 2, 4, 6, 8, 10, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 15 याद रखना बच्चों। ट्रिक्स को याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन वेंचुरी मास्क पे बनता है, बारात वाले ऑरेंज येलो रेड गाड़ी लेके आए, ऑरेंज येलो रेड गाड़ी लेके आए, अब तो शादी होनी ही है, अब तो दुलाई और दुल्हन दोनों को मानना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों के पास रंग बिरंगी गाड़ियां हैं और आए हैं शादी में दूल्हे राजा के साथ भी और दुल्हन के साथ भी। तो याद रखना बारात वाले ऑरेंज येलो रेड गाड़ी लेकर आए, और याद रखना बाराती कौन है बच्चों, वेंचुरी मास्क है, वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क की हम बात कर रहे हैं, खो मत जाना, वेंचुरी मास्क की बात कर रहे हैं। और किसी भी कलर कोड का पूछे तो आपके पास आंसर होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 15, नेवर 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 फॉरगेट माय लविंग फाइटर्स, मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन परमानेंट आता है एक वेंचुरी मास्क पे, कलर कोड पे क्वेश्चन पूछेंगे तो सीधा बारात वाले ऑरेंज येलो रेड गाड़ी लेके चले आ रहा पंकज गौतम, डोनेटिंग 20 रुपीज टू द JNC पुअर स्टूडेंट फंड, आई यू रिमेंबर एवरीबडी, ओके फाइन, ओके फाइन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन प्रोवाइड व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, आपने CPR में भी देखा होगा, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन में भी देखा होगा, जब पेशेंट को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन डिलीवर करते, जब पेशेंट को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन डिलीवर करते बच्चों, उस समय कितना परसेंटेज O2 पेशेंट को मिलता है, उस समय कितना परसेंटेज O2 पेशेंट को मिलता है, दैट इज MCQ, दैट इज MCQ, 10%, 16%, 21%, 100%, जब भी आप किसी पेशेंट को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते, याद रखना माउथ टू माउथ देते समय चिन को अप करते हैं, हेड को टिल्ट करते हैं, और साइड से पेशेंट के माउथ पे आपका माउथ आएगा, और बीच में बच्चों गॉस पीस को रखते हैं ताकि हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अफेक्ट में ना आए, और लंबी सांस लेके छोड़ना होता है, और लंग्स एक्सपांड होता है, लंग्स ऐसा फूलता हुआ दिख रहा है, मतलब आप जो एयर पुट कर रहे हो, याद रखना जब भी माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हो तो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग की बात करें, ड्यूरिंग माउथ टू माउथ की बात करें तो नोज को पिंच करके रखना बच्चों, नहीं तो आप खूब सारा माउथ टू माउथ दे रहे हैं और एयर नोज से निकल गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, नोज को पिंच करके रखना, नोज को पिंच करके रखना। और सही आंसर क्या होगा बच्चों, 16%, सही आंसर क्या होगा 16, इट्स ओके ललित, सही आंसर क्या होगा 16% बच्चों, ओके फाइन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट देखिएगा कि इमेज मैंने आपको पुट किया है, इस इमेज का नाम मुझे फटाफट बताएं, इस इमेज का नाम मुझे फटाफट बताएं, एग्जैक्टली व्हाट इज द नेम, एग्जैक्टली व्हाट इज द नेम ऑफ इमेज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इमेज का नाम पुट करें, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम, क्या नाम है इस फोटो को देख के मुझे आप बताएं बच्चों, फोटो को देख के बताएं क्या नाम है, आप नाम बताएं, मैं तब तक इसके पार्टिकल का नाम लिखता हूं, इसको प्रेशर गॉज बोलते हैं, इसको प्रेशर गॉज बोलते हैं बच्चों, दैट वी कैन से प्रेशर गॉज, मैं एक एक पार्ट का नाम बता रहा हूं, इसको फ्लो एडजस्टर बोलेंगे, फ्लो एडजस्टर, क्योंकि फ्लो किसमें सेट करते हैं, फ्लो मीटर में, दैट वी कैन से फ्लो मीटर, दैट वी कैन से फ्लो मीटर,
याद रखना फ्लो मीटर की जो रीडिंग है वो 1 से लेके 15 लीटर तक होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। 1 से 15 लीटर फ्लो मीटर में मिनिमम वन दिखता है। देखिए गड़बड़ कर दिया ना, ह्यूमिडिफायर नहीं है, कुछ भी लिख देते हो। थोड़ा सोचो समझो, कॉपी पेस्ट करने पे लग जाते हो। 1 to 15 लीटर मिनिमम 1 लीटर, मैक्सिमम 15 लीटर पे आप इस फ्लो मीटर को चलाते हो बच्चों। दूसरा ये जो दिख रहा है ओपनिंग जो दिख रहा है, ये हम O2 सिलेंडर या वॉल आउटलेट से कनेक्ट करते हैं, इसको O2 इनपुट बोलते हैं बच्चों, इसको O2 इनपुट बोलते हैं। मतलब यहां से ऑक्सीजन की एंट्री होती है, यहां से ऑक्सीजन की एंट्री होती है। ये डिवाइस वो पोर्शन है जिसको हम कस के पुट करते हैं बच्चों सिलेंडर के ऊपर, या वी कैन से वॉल आउटलेट के साथ। और ये जो दिख रहा है इसको O2 आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट का मतलब यहां से ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को सप्लाई होगी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड। याद रखिएगा, ये जो डिवाइस दिख रहा है इसको ह्यूमिडिफायर बोलते रहे बदमाश बच्चों, इसको ह्यूमिडिफायर बोलते हैं। आप तो पूरी डिवाइस का नाम ह्यूमिडिफायर लिख दिया, दैट वी कैन से ह्यूमिडिफायर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और ये जो दिख रहा है O2 इन पाइप, उसका पॉइंट है। तो पूरी डिवाइस आपके सामने, प्रेशर गॉज है जहां पर प्रेशर इंडिकेट करता है 2200 के प्रेशर में स्टोर करते हैं O2 सिलेंडर को, 50 से 60 के प्रेशर पाउंड में स्टोर करते हैं वॉल आउटलेट को, दोनों का स्टोरिंग प्रेशर अलग होता है। बट याद रखना ये फ्लो एडजस्टर है, ये वो जगह जहां हम क्या बोलते हैं कनेक्ट करते हैं O2 सिलेंडर के साथ, इसको O2 इनपुट बोलते हैं। ये फ्लो मीटर है, 1 to 15 लीटर तक हम ऑक्सीजन चला सकते हैं। व्हाट इज द नेम? O2 फ्लो मीटर। यस, दिस इज द नेम। कुछ भी लिख रहे बच्चों, फ्लो मीटर के अलावा बहुत सारे नाम जनरेट कर दिया। एग्जैक्टली O2 फ्लो मीटर है बच्चों, O2 फ्लो मीटर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इमेज बेस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे बच्चे सही आंसर पुट करके आए, बच्चों। नेक्स्ट MPCHO वाले बच्चों की गुड न्यूज बता देता हूं, MPCHO में जो वैकेंसी आई है उसके लिए टीम JNC के द्वारा प्रिपेयर किया गया वीडियो बेस्ड कोर्स अवेलेबल है बच्चों। 26 मई तक ऑफर चल रहा है, 6 मंथ की वैलिडिटी है, 999 में ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो MPCHO के लिए बच्चों। और सबसे खास बात बता देता हूं, कोर्स को परचेज करने से पहले प्ले स्टोर पे जाके JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें और इस कोर्स को आप लॉग इन करके बाय कर सकते हो बच्चों। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास यही फिनिश होती है बच्चों। इस क्लास को फिनिश करने से पहले बता देता हूं, यदि सच में आपको क्लास अच्छा लगता है, सच में आपको आपके सर की मेहनत अच्छी लगती है, तो आप JNC आर्मी और आप इस चैनल को उन लोगों तक पहुंचाएं जो सच में पढ़ना चाहते हैं। फीस की प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज है, सपना जरूर देखा पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि JNC उसके द्वारा बच्चों। और मैं अपनी ईमानदारी से लगातार इसी तरीके से मेहनत करता रहूंगा आपके लिए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है आपकी सफलता और आपका प्यार मेरी दुनिया है बच्चों, मेरी स्माइल का रीजन हो बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं। और ये बहुत ही दिल से निकली हुई बातें होती है जो एक परिवार के लोगों के साथ शेयर की जाती है। तो आप अपना भरोसा निरंतर JNC परिवार पर बनाए रखें। कल एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ फिर मुलाकात करूंगा डेली डोज नॉर्सेट स्पेशल में, क्योंकि जर्नी पूरी कहां होगी जब आपका नॉर्सेट का सिलेक्शन होगा। मैं अपनी ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा, टीम JNC आपके लिए मेहनत करती रहेगी। घर में बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना, और कभी जिंदगी में किसी की बुराई मत करना, कभी किसी के बारे में भला बुरा मत बोलना, कभी पीठ पीछे किसी की नेगेटिविटी मत करना, हो सके तो किसी का भला करना बच्चों। माँ बाप बड़े बुजुर्ग के उनका ख्याल रखेगा, उनका आशीर्वाद बनाए रखने का जिंदगी में सुकून मिलता है बच्चों। और आप जिंदगी में सक्सेस होना तो माँ बाप का आशीर्वाद जरूरी है। अपना ख्याल रखना, हेल्थ का ख्याल रखना, हंसते रहना बच्चों। आज जो असाइनमेंट मैंने दिया उस पर वर्क करना ताकि कल एक नई टास्क के साथ फिर मुलाकात कर सकूं आपसे। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।